गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख लेते हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर फर्दर फ्यूचर, आगे के फ्यूचर में आपके काम में आएगा। ये थोड़े एमसीक्यूस है या शॉर्ट क्वेश्चंस है विच इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। क्वेश्चन, वर्मिलियन इज़ अ रेड पाउडर यूज्ड इन इंडिया इन रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स एंड एज एन एडॉर्नमेंट बाय मैरिड वुमेन एज अ लाइन ऑन द हेयर पार्टिंग ऑन द हेड। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय आर्टिस्ट। केमिकली वर्मिलियन इज, वर्मिलियन मतलब जो सिंदूर है उसको इंग्लिश में वर्मिलियन बोलते हैं। तो वर्मिलियन सिंदूर जो है वो रेड पाउडर है, वो इंडिया में रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स एंड मैरिड वुमेन अपने ये फोरहेड पर लगाते हैं, यानी दोनों हेयरों के बीच में, हेयर का जो पार्टिंग है उसके बीच में जो सिंदूर लगाते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है या केमिकली वर्मिलियन या सिंदूर के अंदर क्या होता है। सो द आंसर इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड मेनली सिंदूर में होता है। सेकेंड, इन मॉडर्न सर्जरी मेटल पिन्स आर यूज फॉर होल्डिंग टूगेदर ब्रोकन बोन्स। द पिन दैट रिमेन्स अनकोरेडेड इन द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट इज मेड अप ऑफ। अभी के जो सर्जरी में सपोज बोन या हड्डी टूट जाए तो पिन के मदद से उसको जोड़ा जाता है, और वो पिन कभी बाद में रिमूव नहीं करते हैं, वो परमानेंट आपके बॉडी में ही रहता है। तो वो परमानेंटली आपके बॉडी में रह रहा है तो उसमें करोजन या काट नहीं लगना चाहिए, इजंट इट। तो वो जो पिन है वो किससे बना होता है ताकि आपके बॉडी में कोई रिएक्शन भी नहीं देता एंड वो उसको काट भी नहीं लगता। सो द आंसर इज टिटेनियम। सर्जरी में आपके हड्डी जब टूट जाते हैं तब वो पिन से जोड़ा जाता है, वो पिन टिटेनियम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When ethylene is mixed with butadiene and made into long chains by polymerization, what we get? Polymerization reaction होता है तब ethylene and butadiene दोनों मिलके एक polymer बनाता है। What is the name of that polymer? तो polymer का नाम है synthetic rub. तो सिंथेटिक रबर इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन एंड ब्यूटाडाइन। इथिलीन एंड ब्यूटाडाइन के दोनों मॉलिक्यूल्स का जब पॉलीमराइजेशन होता है तब अपने को मिलता है सिंथेटिक रबर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टोरेज बैटरी इन कार्स, व्हीकल्स एंड डोमेस्टिक एमरजेंसी लाइट इज। कौन से बैटरीज कार में, व्हीकल्स में एंड एमरजेंसी लाइट में यूज़ होता है? लेड एक्यूमुलेटर। तो ये जो लेड एक्यूमुलेटर है वो मोस्टली जो कार के बैटरीज है, व्हीकल्स के बैटरीज हैं एंड एमरजेंसी लाइट्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ हाइड्रेटेड केमिकल लूजेस वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जब कोई केमिकल उसके अंदर जो पानी है वो लूज कर देता है या निकाल देता है तो वो फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सपोज CuSO4.6H2O है, एक मॉलिक्यूल के पास वाटर अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? अपने हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। अब वो जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल में से निकल जाता है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफ्लोरोसेंस। सो एफ्लोरोसेंस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द हाइड्रेटेड पार्ट ऑफ द कंपाउंड, हाइड्रेटेड पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में से जो वाटर के पार्ट है, हाइड्रेटेड का जो पार्ट है वो निकलता है, उसको बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। द एग शेल इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। शेल ऑफ एग्स, एग का जो छिलका होता है वो कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। विच कंपाउंड इज यूज टू मेक द आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? दैट इज योर सिल्वर
आयोडाइड, फिर सिल्वर आयोडाइड के मदद से अपने आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ गैलेना? गैलेना इज एन ओर, ओर ऑफ जिंक, जेड एन एस। तो केमिकल नेम ऑफ गैलेना इज जिंक सल्फाइड, जेड एन एस। द एसिड इन एंट इज नोन एज, जब चींटियां अपने को काटती है तो वो जो स्वेलिंग होता है वो किसके वजह से होता है? एंट्स जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसके वजह से अपने को खुजली आती है एंड स्वेलिंग होता है, एंड दैट एसिड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, HCOOH। क्लियर? तो एंट्स में जो है वो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से अपने को खुजली होती है एंड वो एरिया स्वेल हो जाता है, सूजन भी हो जाता है। ओके, विच पर्सन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2019? 2019 में केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला था? अकीरा योशिनो, एम स्टैनली विटिंगहैम एंड जॉन बी गुडइनफ। इन तीनों साइंटिस्ट को 2019 में नोबेल प्राइज मिला था विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन 2019। नाउ हु वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो किन को मिला था? जेकबस, हेनरिकस, वॉन्टहॉफ। तो वॉन्टहॉफ के बारे में अपने जो पढ़ते हैं वो वॉन्टहॉफ वो फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। सो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? जेकबस, हेनरिकस, वॉन्टहॉफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? थर्मोडाइनमिक्स के फादर कौन है? निकोलास, लियोनार्ड, कार्नोट। जो कार्नोट साइकिल आप पढ़ते हो थर्मोडाइनमिक्स में, वो कार्नोट साइकिल जिसने प्रपोज किया था वही कार्नोट को फादर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहा जाता है। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? DDT सुना होगा, इट इज एन इंसेक्टिसाइड। सो फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो दो क्लोरीन ग्रुप दिख रहे हैं, दो फिनाइल रिंग दिख रहा है एंड ट्राइक्लोरो इथेन वो भी दिख रहा है। ओके, विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल एसिड? सारे एसिड में एक जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट कौन सा कॉमन है? दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट विच इज कॉमन इन ऑल द एसिड। वॉट वुड अ फोटोग्राफर कॉल सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3? तो अपने जो Na2H2O3 को जो सोडियम थायोसल्फेट बुलाते हैं, यानी केमिस्ट जो है वो Na2H2O3 को सोडियम थायोसल्फेट बुलाते हैं, सिमिलरली फोटोग्राफर सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड हाइपो। ओके, सो सोडियम थायोसल्फेट केमिकल, सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल नाम है दैट, केमिकली साइंटिस्ट बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, बट सेम फोटोग्राफर क्या यूज करते हैं उसके बदले? हाइपो। सी दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है। टेनिस बॉल्स आर मेड बाय प्लेसिंग अ पैलेट ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड ईच इन टू हाफ्स ऑफ द बॉल विच आर देन सील्ड। व्हेन दिस पैलेट्स रिएक्ट दे रिलीज अ गैस विच एक्सपांड्स द टेनिस बॉल। कैन यू आइडेंटिफाई द गैस? मतलब टेनिस बॉल जब बनता है तब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट में क्या रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली दूसरे पार्ट में भी सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड रखा जाता है एंड दोनों को पैक किया जाता है। अब पैक करने के बाद सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एंड कौन सा गैस प्रोड्यूस कर रहा है या कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा जिसके वजह से जो टेनिस बॉल है वो फूल जाएगा। सो
the reaction of sodium nitrite and ammonium chloride produces nitrogen gas. ओके तो टेनिस बॉल के अंदर जो सोडियम नाइट्राइड है एंड अमोनियम क्लोराइड है वो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा एंड वो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा जो टेनिस बॉल को फुला देगा या एक्सपांड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ केमिकल ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो केमिकल है वो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में काम आता है. क्वेश्चन क्या है, इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया कल्चर बाय. तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो बैक्टीरिया में से मिलता है अपने को. तो बैक्टीरिया में से स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने आइसोलेट किया था, कौन से साइंटिस्ट ने और कब आइसोलेट किया था. ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो अपने को कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया, मेनली स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया. ओके तो हु आइसोलेटेड दैट, इन 1944 डॉक्टर वॉक्समैन आइसोलेटेड स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम बैक्टीरिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एस्पिरिन, नाइलॉन एंड प्लास्टिक्स हैव कॉमन रॉ मटेरियल, नेम सी. ये क्वेश्चन क्या है कि सैलिसिलिक एसिड में, पिक्रिक एसिड में, एस्पिरिन में, नाइलॉन में एंड प्लास्टिक में कौन सा चीज़ है जो कॉमन है पांचों में. सो दैट इज़ फिनॉल. आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे यानी सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन, पिक्रिक एसिड, नाइलॉन या प्लास्टिक, तो उसमें आपको कॉमन फिनॉल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. नेक्स्ट, मेटलर्जी दैट मीन्स द साइंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के बारे में जो पढ़ाई किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी, जिसमें रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग वो सब आता है. और इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, लोह शास्त्र. तो ये जो लोह शास्त्र है वो कहाँ पे मेंशन हुआ था पहली बार. मेटलर्जी जो एक मॉडर्न साइंस है, इंडिया में उसको कहा जाता है लोह शास्त्र. तो वो सबसे पहले कहाँ पे मेंशन हुआ था, दैट इज अवर क्वेश्चन. सो द वेदास, लोह शास्त्र या मेटलर्जी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशनड इन द वेदास. ओके अब थोड़े एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है. ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मर्क्यूरी. तो इनमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है वो प्लांट के काम आता है, बट मर्क्यूरी इज़ नॉट यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. मर्क्यूरी इज़ अ मेजर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट which has toxic effects on growth, nodulation and nitrogen fixation of legumes and development of plants. Others are essential of plant elements. तो mercury जो है वो toxic है जो plants को harm करता है, लेकिन बाकी जो तीनों nitrogen, phosphorus and potassium है वो plants के growth में काम आता है. Invert sugar, invert sugar क्या है, इन्वर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. इन्वर्ट शुगर इज एन एडिबल मिक्सचर ऑफ टू सिंपल शुगर. एडिबल मिक्सचर मीन्स जिसको अपने खा सकते हैं. तो इन्वर्ट शुगर मिक्सचर है सुक्रोज का एंड सॉरी ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का. ओके सो दैट इज मेड बाई हीटिंग सुक्रोज विथ वाटर. सुक्रोज किससे बनता है, with the glucose and fructose. Sucrose is a disaccharide made up of glucose and fructose. Invert sugar कैसे बनता है, sucrose को पानी के साथ गर्म करने से अपने को invert sugar मिलता है. Cholesterol, cholesterol क्या है, carbohydrate है, protein है, lipid है या hormone है. So cholesterol is a lipid. Cholesterol is a waxy
fat like substance that is found in all the cells in the body. It is actually part lipid, part protein. That is why the different kind of cholesterol are also known as lipoproteins. Another type of lipid is triglyceride. इसमें ये कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो वैक्सी है, दैट मीन्स मीण जैसा है, कैंडल के जैसा वैक्सी है. फैट लाइक, उसमें फैट भी है जो मोस्ट ऑफ द सेल्स में, अपने बॉडी के सेल में पाया जाता है. कोलेस्ट्रॉल ओनली लिपिड नहीं है, वो थोड़ा लिपिड से बना हुआ है एंड उसका जो थोड़ा पार्ट है वो प्रोटीन से बना गया है. सो कई बार कोलेस्ट्रॉल को क्या कहा जाता है, लिपिड प्लस प्रोटीन इक्वल्स लिपोप्रोटीन. ओके, द मेन एलिमेंट यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. अभी जो टायर में जो रबर यूज होता है, अगर ऑर्डिनरी रबर यूज किया जाए तो टायर का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो जाएगा. बट टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ रबर वी आर डूइंग द वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन में रबर के साथ क्या मिक्स किया जाता है, सिंपल सल्फर इज मिक्स्ड. वल्कनाइजेशन गिव्स रबर इट्स कैरेक्टरिस्टिक इलास्टिक क्वालिटी. वल्कनाइजेशन करने से रबर में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहता है या बढ़ जाता है. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय मिक्सिंग द लैटेक्स विद सल्फर एंड हीटिंग इट इन वन ऑफ द टू वेज. ओके, तो वल्कनाइजेशन क्यों किया जाता है, रबर का जो इलास्टिक नेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए. वल्कनाइजेशन में क्या किया जाता है, रबर ट्री में से जो लैटेक्स वाइट कलर का मिलता है उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और अपने को मिलता है वल्कनाइज्ड रबर. कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये जो कॉन्क्रीट यूज होता है, कॉन्क्रीट सुना होगा सबने, वो किस से बना होता है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल. इन तीनों के मिक्सचर को कॉन्क्रीट बोलते हैं. कॉन्क्रीट इज अ हिट्रोजीनियस मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ लाइम, सीमेंट, वाटर, सैंड एंड अदर रॉक्स. तो कॉन्क्रीट किसका मिक्सचर है, मेनली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल. वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन अभी अपनों ने देखा कि व्हाट इज वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द इलास्टिसिटी ऑफ रबर. द लैटेक्स ऑब्टेंड फ्रॉम रबर प्लांट इज हीटेड विथ सल्फर टू प्रोड्यूस वल्कनाइज्ड रबर. अब ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर किया था, कौन से साइंटिस्ट ने, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गुडियर. द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड इन 1839 बाय द US इन्वेंटर चार्ल्स गुडियर, विच हु ऑल्सो नोटेड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सर्टेन एडिशनल सब्सटेंसेस इन द प्रोसेस. सच अ मटीरियल कॉल्ड द एक्सिलरेटर कॉसेस वल्कनाइजेशन टू प्रोड्यूस मोर रैपिडली और एट लोअर टेम्परेचर. सो मेनली क्या आपको याद रखना है कि वल्कनाइजेशन जो है वो US के इन्वेंटर ने 1839 में इन्वेंट किया था एंड द नेम ऑफ दैट इन्वेंटर वॉज चार्ल्स गुडियर. द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट इज स्लोड डाउन बाय, सीमेंट का जो सेटिंग है उसका टाइम, रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट उसका टाइम स्लो कैसे किया जाता है, बाय एडिशन ऑफ जिप्सम. जिप्सम ऐड करने से सीमेंट जो है वो जल्दी सेट नहीं होता. व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इट बिकम्स हार्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट. जिप्सम विच इज ऑफन एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट टू प्रिवेंट अर्ली हार्डनिंग और फ्लैश सेटिंग अलाउइंग अ लॉन्गर वर्कर टाइम. सीमेंट में जब आप पानी मिक्स करते हो तब वो जल्दी सेट होने लगता है, बट जल्दी सेट नहीं करना है मुझे, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, तो मैं क्या ऐड करूँगा उसमें, जिप्सम. जिप्सम मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो ये जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा.
तो सेटिंग होने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे काम करने में भी आसानी होगी। तो वॉट इज़ एडेड टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट? जिप्सम। नाइलॉन इज़ मेड अप ऑफ, नाइलॉन जो पॉलीमर है वो किससे बना जाता है? हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। नाइलॉन 6,6 इज सिंथेसाइज बाय पॉलीकंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। पॉलीमराइजेशन किया जाता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड का, तो अपने को क्या मिलता है? नाइलॉन। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बेकेलाइट। अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ पॉलीमर दैट इरिवर्सिबली बिकम्स रिजिड व्हेन हीटेड। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, उसमें से एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब उसको एक बार अपने यूज़ कर दे तो वो रिवर्सिबल नहीं है, वो रिजिड बन जाता है। ओके, तो उसका एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट। अ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप इज, जब सोप बनता है तब उसके साथ एक वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट भी बनता है, उसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में मोस्टली ग्लिसरॉल बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मेड बाय बॉइलिंग टुगेदर विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल ऑकर्स यील्डिंग ग्लिसरॉल एंड क्रूड सोप। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सोप के मैन्युफैक्चर में मुझे क्या मिलता है? ग्लिसरॉल एज अ बाय प्रोडक्ट। अब सोप क्या है? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो कैसे बनता है? फैटी एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने से। ओके, सो इट इज़ मेड बाय बॉइलिंग टुगेदर विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फैट या ऑयल का हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड ग्लिसरॉल जो बाय प्रोडक्ट बनता है सोप के साथ। तो सोप जो है वो मेरा मेन प्रोडक्ट है एंड ग्लिसरॉल जो है वो मेरा बाय प्रोडक्ट है। द नेम रबर वॉज गिवन बाय, तो ये जो रबर अपने जो यूज़ करते हैं वो रबर का नॉमनक्लेचर, वो नेम किसने दिया है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? इट वॉज गिवन बाय प्रीस्टली। कॉटचॉक अ वेजिटेबल गम वॉज नेम्ड रबर, तो पहले रबर को क्या बोलते थे? कॉटचॉक। लेकिन बाद में इन 1770 इंग्लिश केमिस्ट जोसेफ प्रीस्टली ने वेजिटेबल जो गम लाइक स्ट्रक्चर है कैटचॉक, उसको रबर नॉमनक्लेचर या नेम किया उन्होंने। द सोप यूज इन शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में जो सोप यूज होता है वो कौन सा सोप है? इट इज सॉफ्ट सोप। शेविंग क्रीम कंटेन 20-30% ऑफ सोप, अप टू 10% ग्लिसरीन, एमोलियंस, एमल्सीफायर्स एंड फोमिंग एजेंट्स। तो शेविंग क्रीम मोस्टली किससे बनाया जाता है? सॉफ्ट सोप से। लेड सोप आर यूज इन, लीड सोप आर मोस्टली वेयर इट इज़ यूज इन एडहेसिव टेप्स। एडहेसिव टेप्स मीन्स जो चिपकाने के लिए सेलो टेप आता है उसको एडहेसिव टेप बोलते हैं, और उसमें लेड के सोप यूज होता है। ग्रेप शुगर किसको कहा जाता है? ग्रेप शुगर ग्लूकोज को अपने ग्रेप शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज इज नोन एज ग्रेप शुगर विच इज अ मोनोसैक्राइड बिकॉज इट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ सिंपलर शुगर। तो ग्लूकोज को अपने क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है एंड उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। वॉट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। फ्रुक्टोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज और फ्रूट शुगर इज अ सिंपल कीटोनिक मोनोसैकेराइड।
ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक मोनोसैकेराइड है एंड फ्रुक्टोज जो है वो कीटोनिक मोनोसैकेराइड है। दोनों का फॉर्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है एंड फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। द नेम फ्रुक्टोज वॉज कॉइंड इन 1857 बाई इंग्लिश केमिस्ट विलियम एलन मिलर। तो फ्रुक्टोज नाम ये कंपाउंड को किसने दिया? इंग्लिश केमिस्ट ने इन 1857 में विलियम एलन मिलर ने फ्रुक्टोज नाम फ्रूट शुगर को दिया। द शुगर विच इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा शुगर देता है? यू नो ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसमें आंसर क्या है? ग्लूकोज। द कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर इज ग्लूकोज। मॉर्टर सीमेंट, मॉर्टर कंटेन्स सीमेंट एंड सैंड इन द रेशियो ऑफ। मॉर्टर जो है उसमें सीमेंट एंड सैंड का रेशियो क्या है? 1:4। मॉर्टर का जो 100 क्यूबिक फीट होता है उसमें सीमेंट और सैंड 1:4 में के रेशियो में होता है। दैट मीन्स मॉर्टर कंटेन्स 1 part सीमेंट एंड 4 parts सैंड। फ्लिंट ग्लास कंटेन्स वॉट? इट कंटेन्स पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट। फ्लिंट ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सोडियम पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट्स विच आर यूज इन मेकिंग आइडल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस। कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए जो मटीरियल बनाते हैं वो मोस्टली फ्लिंट ग्लास का बनता है। ये जो फ्लिंट ग्लास है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, टेलीस्कोप के लेंस में, माइक्रोस्कोप के लेंस में, कैमरा एंड प्रिज्म के लेंस में भी फ्लिंट ग्लास यूज़ होता है। तो फ्लिंट ग्लास के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट्स। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास आर। ग्लास बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स इम्पॉर्टेंट है? सिलिका, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। द मेन रॉ मटेरियल यूज टू मेक ग्लास इज सैंड, SiO2, या सैंड जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है ग्लास में। ग्लास प्रोडक्शन में क्या और क्या इम्पोर्टेंट है? लाइमस्टोन भी चाहिए, सोडा ऐश भी चाहिए और केमिकल्स भी चाहिए जो ग्लास को कलर इम्पार्ट करेगा, जो ग्लास को डिफरेंट कलर देगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है अपना वो किससे मोस्टली बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास इज यूज फॉर ऑप्टिक्स इज मेड अप ऑफ हाई प्योरिटी सिंथेटिक क्वार्ट्ज। दिस ग्रेड ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास इज नोन एज फ्यूज्ड सिलिका। द क्रिस्टल क्लियर एमोरफस सिलिकॉन डाइऑक्साइड मटीरियल कंटेन्स ओनली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड हैज नियर नॉन जीरो इम्प्योरिटीज। तो ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेनली ग्लास यूज होता है वो कौन सा ग्लास है? क्वार्ट्ज ग्लास। एंड क्वार्ट्ज ग्लास मीन्स वॉट? इट इज कंटेनिंग सिलिका एंड ऑक्सीजन। इसमें नॉन जीरो के बराबर इम्प्योरिटीज है ही नहीं इसमें। इट इज़ वेरी प्योर टाइप ऑफ ग्लास, दैट इज द क्वार्ट्ज ग्लास। ग्लास आर्टिकल्स आर एनील्ड सो दैट दे लूज देयर ब्रिटलनेस। ग्लास आर्टिकल्स को एनील क्यों किया जाता है? ताकि उसका जो ब्रिटलनेस है वो लूज हो जाए। एनील ग्लास इज अ ग्लास प्रोडक्ट विदाउट इंटरनल स्ट्रेस इम्पार्टेड बाय हीटिंग ट्रीटमेंट, दैट इज रैपिड कूलिंग और बाय टफनिंग और हीट स्ट्रेंथनिंग। एनीलिंग इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग ग्लास टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस आफ्टर इट इज फॉर्म। ग्लास कैसा होता है? वो जल्दी टूट जाता है। इजंट इट, इट इज वेरी मच ब्रिटल। तो ये जो ब्रिटलनेस है वो ग्लास का एक ड्रॉबैक है, इजंट इट? तो ये जो ड्रॉबैक है उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? ग्लास को एनीलिंग किया जाता है ताकि वो ग्लास जल्दी नहीं टूटे। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डायलिसिस
अ ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स विद अफेक्टेड किडनीज, जो जिनको किडनी में प्रॉब्लम होता है उनको, वो पेशेंट्स को मोस्टली डायलिसिस, उनका डायलिसिस किया जाता है. ओके, तो डायलिसिस में कौन सा केमिकल प्रिंसिपल यूज होता है? सो दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कॉसेस द मेटाबोलाइट्स टू फ्लो आउट ऑफ द ब्लड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इनटू द डायलिसिस सॉल्यूशन विच इज कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड. इसका मतलब ये है कि किडनी का काम क्या है? ब्लड में से इम्प्यूरिटी रिमूव करना. लेकिन किडनी ही खराब हो गई है, सो वॉट हैपन्स? इम्प्यूरिटीज रिमेन्स इन द ब्लड, ब्लड में इम्प्यूरिटीज पड़ा रहेगा. सो वॉट टू डू? वी हैव टू डू द डायलिसिस. डायलिसिस में क्या होता है? एक साइड डायलिसिस का सॉल्यूशन होता है एंड बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा? ब्लड में से जो इम्प्यूरिटी है वो डायलिसिस के सॉल्यूशन में चला जाएगा. तो ब्लड का जो इम्प्यूरिटी है वो डायलिसिस सॉल्यूशन में जा रहा है, दैट मीन्स ब्लड प्योर हो रहा है. तो जो किडनी का फंक्शन है, जो बॉडी के अंदर होता है, वही प्रोसेस बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस. एंड ये जो प्रोसेस कौन करता है? डायलिसिस. इन द माउथ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा. तो सलाइवा में कौन से एंजाइम है? एमाइलेस. तो एमाइलेस सलाइवा एमिलाइज के मदद से फूड को माल्टोस में बदल देता है. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेस विच हाइड्रोलिसिस स्टार्च इनटू माल्टोस एंड डेक्सट्रिन. दस डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद इन द माउथ इवन बिफोर रीचिंग द स्टमक. इसलिए कहा जाता है कि फूड को हमेशा अच्छे से चबा के खाना है, बिकॉज फूड सलाइवा के साथ मिक्स होगा. ओके, तो सलाइवा में जो अमाइलेस प्रेजेंट है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा डाइजेशन का एंड माल्टोस बन जाएगा, जो सिंपल शुगर बन जाएगा. इवन इन द पेट में पहुंचने से पहले ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप. सोप में क्या चाहिए? फैटी एसिड चाहिए, वो हम लोगों ने अभी देखा था. तो यहाँ पे फैटी एसिड कौन से है? ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड. ये तीनों जो है वो फैटी एसिड है, बट ये जो एसिटिक एसिड है इट इज़ नॉट अ फैटी एसिड. तो सोप बनाने के लिए एसिटिक एसिड यूज नहीं होता. एसिटिक एसिड इज यूज एज अ नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव. तो एसिटिक एसिड इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड मटीरियल. तो इनमें से कौन से, क्या फूड मटेरियल जो अपने खा नहीं सकते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. ये तीनों जो है वो अपने खा सकते हैं, बट सिलिकेट जो है वो अपने नहीं खा सकते. तो द आंसर इज सिलिकेट. इन सर्जिकल ऑपरेशन द एनेस्थेटिक कॉमनली यूज्ड नाउडेज इज. सर्जरी में मोस्टली अपने क्या यूज़ करते हैं? एनेस्थेटिक्स. एनेस्थेशिया मतलब अपनी को बेहोश करने की दवाई. तो मोस्टली अभी क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूजिंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड एथर मिक्सचर. नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ वीक जनरल एनेस्थेटिक एंड सो इट इज़ जनरली नॉट यूज अलोन इन जनरल एनेस्थेशिया, बट यूज एज अ कैरियर गैस फॉर मोर पावरफुल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स सच एज सेवोफ्लोरेन और डेसफ्लोरेन. तो आपको इतना याद रखना है कि एनेस्थेशिया में अभी के ज़माने में या नाउडेज सर्जिकल ऑपरेशन में जो एनेस्थेटिक्स यूज हो रहा है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड एंड ईथर, मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड ईथर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड. एसिड में जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन. एसिड आर प्रोटोन डोनर्स वेरस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. तो प्रोटोन डोनर्स मीन्स उसमें एच प्लस हाइड्रोजन होना चाहिए. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल एनेस्थेटिक. लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है इनमें से? सो इट इज कोकेन. कोकेन इज अ बेंजोइक एसिड एस्टर दैट वॉज ओरिजिनली यूज एज अ लोकल एनेस्थेटिक. पहले के ज़माने में
कोकेन जो है लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी वो नार्कोटिक है, इजंट इट? तो कोकेन जो है वो ड्रग है जो मोस्टली इट इज़ यूज इन नार्कोटिक्स, तो अभी उसको बैन किया गया है फॉर एज अ लोकल एनेस्थेशिया। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया? पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्सेंडर फ्लेमिंग, स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हु शेयर्ड द 1945 नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। दिस रिजल्टेड फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ ए मोल्ड विच हैड डेवलप्ड एक्सीडेंटली ऑन द स्टेफिलोकोकस कल्चर प्लेट एंड दैट मोल्ड हैड क्रिएटेड अ बैक्टीरिया फ्री सर्कल अराउंड इट। तो पेनिसिलिन जो है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंड उसके लिए उनको 1945 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर मेडिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिजर्व स्पेसिमेन इन अ बायोलॉजिकल लेबोरेटरी? तो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में कौन सा केमिकल यूज होता है जो स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है जिसमें? तो आपने देखा होगा बायोलॉजी के लैब में जो स्पेसिमन होता है, दैट मीन्स रैट, स्नेक, वॉट एवर, तो उसको एक सॉल्यूशन में रखा जाता है। वो कौन सा सॉल्यूशन है? दैट इज़ फॉर्माल्डिहाइड। अ सॉल्यूशन ऑफ 35-40% ऑफ वाटर इन फॉर्माल्डिहाइड और मीथेनॉल इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन इज मेड अप ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड वाटर। फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। तो फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज सरफेस डिसइंफेक्टेंट इज, मोस्ट कॉमनली यूज सरफेस डिसइंफेक्टेंट इज क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, ओके? PAS, पैरा अमोनियम सल्फेट, इज अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB। PAS कौन, वो जो ड्रग है वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में काम आता है एंड PAS का फुल फॉर्म क्या है? पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। तो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है, जो दवा है उसका केमिकल नेम क्या है? इट इज़ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एस्पिरिन। इट इज़ मेनली यूज एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक मेडिसिन। तो एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? इट इज़ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक जो ड्रग है, ड्रग के कई सारे क्लासेस है, तो एंटी पायरेटिक जो ड्रग का क्लास है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। तो जो पैरासीटामोल अपने यूज़ करते हैं जब बुखार आता है, तो अपना जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है वो पैरासीटामोल डिक्रीज कर देता है, सो इट इज़ एन एंटी पायरेटिक। सो एंटी पायरेटिक्स आर सब्सटेंसेस दैट रिड्यूसेस फीवर। तो फीवर कम करने के लिए अपने एंटी पायरेटिक्स यूज़ करते हैं। Antipyretics causes the hypothalamus to override a prostaglandin induced increasing in temperature. The body then works to lower the temperature which results in the reduction of fever. तो antipyretics जो है वो hypothalamus को एक हार्मोन रिलीज करने में मजबूर कर देता है और वो हार्मोन बॉडी को बताता है कि अब टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट फर्टिलाइजर इज जिप्सम। जिप्सम जो है वो स्टिमुलेंट फर्टिलाइज़र है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले फर्टिलाइज़र का जो यूज़ हुआ था, द फर्स्ट फर्टिलाइज़र यूज इन यूनाइटेड स्टेट वॉज जिप्सम। तो जिप्सम जो है वो सॉइल में मिक्स किया जाता था, तब फार्मर्स ने देखा कि सॉइल का जो कैपेसिटी है, उसका जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ऑल दैट इज़ increased. Chloroform used as an anesthetic should be preserved in dark in a tightly stoppered bottles because otherwise. आपने लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा कि जब क्लोरोफॉर्म यूज करते हो वो क्लोरोफॉर्म
ब्राउन कलर के बॉटल में स्टोर किया जाता है, इजेंट इट, और वो कई अंधेरे जगह पे रखा जाता है, लाइट के पास नहीं रखा जाता क्लोरोफॉर्म को. व्हाई? बिकॉज क्लोरोफॉर्म को जब एयर के कांटेक्ट में आता है तब वो फॉस्जीन गैस बनाता है. नाउ व्हाट इज फॉस्जीन? क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, तो लाइट के प्रेजेंस में और एयर के प्रेजेंस में, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो गैस प्रोड्यूस करता है. और वो गैस क्या है? कार्बोनाइल क्लोराइड. कार्बोनाइल क्लोराइड का नाम है फॉस्जीन. एंड सो ये जो फॉस्जीन है वो एक्सट्रीमली पॉइजनस है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स एंड अवे फ्रॉम लाइट. अ ड्रग दैट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड फॉर मलेरिया. मलेरिया में कौन सा ड्रग यूज होता है? मेलेरॉन. मेलेरॉन इज अ मिक्सचर ऑफ एटावोक्वान एंड प्रोगुआनिल. तो मेलेरॉन जो है वो ये दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है एंड वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है. ऑयल ऑफ विंटरग्रीन. ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कंटेन्स मिथाइल सैलिसिलेट. तो अपने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मतलब ये जो क्या बोलते हैं, विक्स या ऐसे कुछ होता है उसमें कौन सा स्मेल आता है? दैट इज़ योर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. तो उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, विच इज़ द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? दैट इज़ मिथाइल सैलिसिलेट. एक्यूट डायबिटीज पेशेंट स्मेल ऑफ. जब किसी को एक्यूट डायबिटीज़ होता है तब उनको उनमें से कौन सा स्मेल आता है? तो उनमें से एसीटोन आता है. एसीटोन का जो स्वीट स्मेल है वो अपने एक्यूट डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बॉडी में से आता है. व्हाई? बिकॉज जब एक्यूट डायबिटीज़ होता है तब वो जो पेशेंट का लीवर है वो कीटोन प्रोड्यूस करता है एंड आपको पता है कि एसीटोन एक कीटोन है. ओके, तो इसके वजह से उनके बॉडी में से एसीटोन का स्मेल आता है. द डिस्कवरर ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉस. क्लोरोफॉर्म कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? लिबिग. क्लोरोफॉर्म इज अ कलरलेस लिक्विड फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1831 बाय साइंटिस्ट जस्टस वॉन लिबिग इन जर्मनी. तो जर्मनी के लिबिग नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में क्लोरोफॉर्म डिस्कवर किया था. टिंक्चर आयोडीन. टिंक्चर आयोडीन जो है वो क्या है? इट इज़ यूज एज अ डिसइनफेक्टेंट. टिंक्चर आयोडीन डिसइनफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर मेनली फॉर स्किन इन्फेक्शंस. अ हार्मोन विच कंटेन्स आयोडीन. अपने बॉडी में कौन सा हार्मोन है जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है? तो दैट इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन द मोस्ट एबंडेंट थायरॉयड हार्मोन कंटेन्स 4 आयोडीन एटम्स एंड इज कॉल्ड T4. ओके, तो थायरोक्सिन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वो थायरॉयड हार्मोन है एंड उसमें 4 आयोडीन एटम होता है और उसको क्या बोलते हैं अपने T4. वाइल ट्राईआयोडोथायरोनिन द मोस्ट एक्टिव फॉर्म हैज़ 3 एंड हेंस इट इज़ रेफर्ड टू एज T3. तो कई थायरॉयड हार्मोन में 3 आयोडीन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड उसको मोस्टली T3 कहा जाता है. राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी कॉसेस. सो राइबोफ्लाविन मींस विटामिन B2. विटामिन B2 के कमी से अपने बॉडी में कौन सा डिजीज आता है? दैट इज टंग इन्फ्लेमेशन. जीभ में जलन होता है. विटामिन B2 और राइबोफ्लाविन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी मेटाबॉलिज्म. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज एनर्जी सप्लाई. ओके, तो जो विटामिन B2 है या राइबोफ्लाविन है उसके डेफिशिएंसी से अपने को टंग इन्फ्लेमेशन होगा. कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस जो अपने को होता है वो कौन से टाइप का डिसीज है? इट इज़ अ कॉन्जेनिटल डिसीज. दैट मीन्स वो हेरिडिटरी है, वो अपने को बाहर से नहीं होता है, वो अपने को अपने पेरेंट्स से या जीन से ही होता है.
दैट मीन्स आप कलर ब्लाइंडनेस के साथ ही जन्म लेते हो. कलर ब्लाइंडनेस इज यूजुअली अ जेनेटिक कंडीशन. रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज यूजुअली पास डाउन फ्रॉम योर पेरेंट्स. यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में आपको एक पर्टिकुलर कलर नहीं दिखाई देता है एंड वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द जेनेटिक्स. आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको कलर ब्लाइंडनेस मिलता है. ये कोई डिसीज यानी कि कोई बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता, इट इज़ अ जेनेटल डिसीज. कौन जेनेटल डिसीज? ट्रिपल एंटीजन ट्रीटमेंट. बच्चों को जो ट्रिपल एंटीजन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? दैट इज़ फॉर वूपिंग कफ, टैटनस एंड डिप्थेरिया. दैट मीन्स ऑल ऑफ द थ्री. इन तीनों के लिए ट्रिपल एंटीजन इज अ वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थेरिया, टैटनस एंड वूपिंग कफ. अ नॉन मटेरियल काइंड ऑफ पोल्यूशन. इसमें से कौन सा पोल्यूशन है जो नॉन मटेरियलिस्टिक है? तो दैट इज योर नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन जो है वो साउंड पोल्यूशन है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटेरियल पोल्यूशन. द विटामिन दैट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स. तो सिट्रस फ्रूट्स में जो विटामिन पाया जाता है दैट इज विटामिन सी. ओके, लेमन या ऑरेंज में जो मिलता है वो अपना विटामिन सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक. तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ऑरोमाइसिन एंड कोडेइन. तो आंसर है कोडेइन, बिकॉज ये जो है कोडेइन जो है वो नार्कोटिक ड्रग है. ओके, द हार्मोन विच इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज नोन एज. तो कौन सा हार्मोन ग्लूकोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है? इंसुलिन. ओके, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफेयर इज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ. ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या ओजोन लेयर जो है उसमें दरार है या होल कैसे पड़ रहा है, क्योंकि अपने मोस्टली कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं इन रेफ्रिजरेटर? दैट इज़ क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFC के वजह से. द प्राइमरी कोर्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग सोर्सेज, दैट इज़ क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स. इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दिस गैस डिसोसिएट रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स विच देन गो ऑन टू कैटलाइज ओजोन डिस्ट्रक्शन. तो मेनली जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है वो कौन से गैस के वजह से हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोरो फ्लोरोकार्बन. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक केमिस्ट्री यू शुड नो एंड यू शुड बी क्लियर अबाउट. ओके.